तो मैं रीना शुक्ला देसी रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और पीछे का नज़ारा देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और कहते आज कल मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, वो भी मैं दिखाती हूँ। कॉटन की धोतियाँ मैंने ली है क्योंकि मुझे जाना है गाँव, तो मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। और आज हमारे यहाँ है बर्थडे, यानी कि जहाँ हम रहते हैं रेंट पर उनकी बेटी का है बर्थडे। तो चलिए बर्थडे में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बर्थडे में मैं नहीं दिखूँगी लेकिन बाकी सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा सामान जो ख़रीद के लेके आई थी वही मैं आप लोगों को देखो दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल चूड़ियाँ ली थी अपने लिए, ये देखिए इस तरीके की चूड़ी है। और सिंपल कंगन भी है, कंगन में शायद दूसरे भी लगा लूँ लेकिन चूड़ियाँ मुझे यही पसंद आई थी। तो मैंने यहाँ पर देखिए दो दर्जन चूड़ी ले ली थी। और ये सिंपल सीप वाले कंगन है, मुझे ये सिंपल कंगन अच्छे लगते हैं। तो मेरी चूड़ियाँ कैसी है मुझे प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा। ये एक दर्जन चूड़ी है, मैं पूरी नहीं पहनूंगी क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। और ये डेली यूज़ के लिए चूड़ी है, पार्टी वेयर नहीं है। और मैं हमेशा चूड़ियाँ देखिए चेंज भी नहीं करती हूँ कि कहते मुझे पार्टी के लिए अलग पहननी है, इसके लिए मुझे सिंपल चूड़ियाँ बहुत पसंद है। और ये देख लीजिए सुबह के टाइम घर का क्या हाल था, क्योंकि मैं कर रही थी अपने ससुराल जाने के लिए पैकिंग। तो ये इतना मतलब पैकिंग करो तो इस तरीके से घर तो फैल ही जाता है। और ये सुबह का टाइम था, सब स्कूल भी गए हुए थे, खाली मैंने भाभी को नहीं जाने दिया था। और देख लीजिए घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, काम मेरा ख़त्म ही नहीं होता, 11:30-12 हो चुके थे। और यहाँ पर देखिए मिल लीजिए हमारे माखन लाल से भी। अगर हम वीडियो की स्टार्ट करें और माखन से ना मिलवाएं ऐसा तो कभी हुआ नहीं है और आगे होएगा भी नहीं। माखन तो हमारे बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ पर देख लीजिए भाभ्या खेल कूद रही थी, इन्होंने ब्लैक बोर्ड पे बना दिया था एक कंप्यूटर। तो इसी तरीके से बच्चे जब घर पर रहते हैं तो इन्जॉय करते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए किचन में भी सारा इसी तरीके से फैला हुआ है। इतना गंदा बरांडा मैंने कभी भी, मैंने गंदा घर कभी आप लोगों को नहीं दिखाया है, लेकिन ये सब हो रहा था पैकिंग के तामझाम। और आप लोग बोलोगे भाई यहाँ पर हलवाई कैसे लग गए हैं, तो आज हमारे यहाँ हलवाई लगे हुए हैं। तो ये देख लीजिए मैंने कोई रेसिपी तो नहीं यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे हो रहा था। और हमारे हलवाई जो लगे हुए हैं वो सब्ज़ी बनाने जा रहे थे, तो मैंने बस हल्का फुल्का सा ले लिया है। देखिए कितना सारा गर्म मसाले का इस्तेमाल इन्होंने किया है। और यहाँ बनने जा रही थी सूखे आलू परवल की सब्जी, ये सूखी सब्जी की हलवाई भैया तैयारी कर रहे थे क्योंकि नीचे जो हमारे मकान मालिक है उनकी बेटी का आज बर्थडे है। तो भाई बच्चे को आप लोग विश जरूर करिएगा। यही देखिए जो येलो ड्रेस पहन के बेटी बैठी है ना, इसी का आज बर्थडे है। तो देखिए यहाँ पर सत्यनारायण जी की कथा भी हो रही थी। और कमेंट में सब लोग लिख दीजिएगा हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, क्योंकि बच्चे बड़े प्यार से देखते हैं वीडियो, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि कोई उन्हें विश कर रहा है। तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। तो इस तरीके से हम सब लोग यहाँ पर देखिए कथा सुन रहे थे। और मेरा तो वीडियोस में होएगा नहीं क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं किस तरीके से अपना वीडियो बनाती, तो ऐसे ही भाई हमारा तो काम चल रहा है सब। तो मैं भी ऊपर काम कर रही थी, ऊपर हलवाई लगे हुए थे और नीचे मैं आ गई थी कथा सुनने के लिए, क्योंकि आज मुझे खाना तो बनाना नहीं था। यहीं पर कहते हैं हमें सबको पूरे घर को हमारे निमंत्रण था। और यहाँ पर देखिए गाना बजाना भी हो रहा था, आरती भी हो रही थी, सब इसी तरीके से हो रहा था। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो भाई जन्मदिन था तो सोहर गाना तो बहुत ज़रूरी होता है, सोहर गीत होते हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो सोहर गीत यहाँ पर हो रहे थे। और ये देखिए शाम का टाइम हो गया है तो यहाँ पर केक कटने जा रहा था। तो सब बच्चे देखिए जहाँ केक होता है और बच्चे भीड़ न लगाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सब बच्चे धीरे धीरे करके वहाँ पे केक के पास पहुँच गए थे, केक कब कटेगा अब कटेगा। तो ये देख लीजिए केक कट भी चुका है और केक की भी वीडियो मैं सही से नहीं बना पाई हूँ। और ये देखिए सब बच्चे इसी तरीके से यहाँ पर हैं, सब मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। जब केक कट रहा होता है तो सब एक साथ जुट जाते हैं, जैसे केक कटता है तो सब मतलब भागने लगते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है। तो वीडियो मेरी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।